Hi everyone and welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेंट. आप सब कैसे हैं? I hope you all are doing well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्रोकली की रेसिपी, जिसे मैंने दो तरह से प्रिपेयर किया है. ब्रोकली के बेनिफिट्स भी मैं शेयर करूँगी, सो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिए. तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है. ये है ब्रोकली. ब्रोकली को अच्छे से कट कर ले और कट करके इसे अच्छे से वॉश कर ले. मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट किया है इस तरह से. तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सेंट्स नेस्ट. एक गंज में पानी गर्म कर ले, और पानी बिल्कुल खौलता हुआ गर्म होना चाहिए, और उसमें सारे ब्रोकलीज को डाल दे. पानी में एक चम्मच के करीब सॉल्ट ऐड करे, और अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके रखे फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद ब्रोकली को तुरंत शिफ्ट करें कोल्ड वाटर में. आप आइस वाटर में भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं. कोल्ड वाटर में 2-3 मिनट रखने के बाद इसे स्टेन कर ले, और स्टेन कर ले, और स्टेन करके इसे कुछ देर तक बाहर रखें, जब तक कि इसकी ड्राई ना हो जाए. आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रोकली को इसी तरह से ब्लंच कर लिया है, और अब सारे ब्रोकली को मैं ऐसे ग्लास कंटेनर में स्टोर करूँगी फ्रिज में. और फ्रिज में आप इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, और जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही आप निकाल के इसे यूज़ कर सकते हैं. 1 वीक तक ये बहुत ही अच्छी तरह से आपका रहेगा, एयर टाइट कंटेनर में रखे फ्रिज. अब रेसिपी देख लेते हैं. पैन में आप वाइट ऑयल ले, आप वाइट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. ऑयल में आप ऐड करें बादाम या ग्राउंड नट, और इसे अच्छे से फ्राई कर ले. ब्रोकली के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है. अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा जीरा, और जीरा को भी अच्छे से फ्राई कर ले. अब इसमें ऐड करें ब्रोकली. जितना आप आज कंज्यूम करेंगे उतना ही ब्रोकली इसमें ऐड करें, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और सॉटे करें. ब्रोकली में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं. जो जिन लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है. प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है ब्रोकली. ब्रोकली में एग के कंपैरिजन में बहुत कम कैलोरी पाया जाता है. इसमें 2.6 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है. ऐसा कहा जाता है कि ब्रोकली को अपने डाइट में इंक्लूड करने से आपका वेट लॉस होगा, मोटापा कम होगा. टेस्ट के लिए आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं. इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और टेस्ट भी इसका दुगना बढ़ जाता है. ब्रोकली एक तरह से क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, जिसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और ये सभी कैंसर का कारण बनने वाली सेल्स को डैमेज होने से रोकने का काम करती है. कैल्शियम और कोलेजन हड्डियों के को मजबूत बनाने का काम करते हैं. सो बोन्स के लिए भी ब्रोकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें विटामिन के भी पाया जाता है, जिसके नियमित सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस रोकने में मदद मिल सकती है. इस तरह से आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, या आप लंच में भी इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं. चलिए इसका दूसरा रेसिपी भी देख लेते हैं. कढ़ाई में मैंने व्हाइट ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और उसमें मैंने ऐड किया है तिल. व्हाइट तिल मैं इसमें ऐड करती हूँ. व्हाइट तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर ले, और जैसे ही तिल रोस्ट हो जाए उसमें जो हमने ब्रोकली स्टोर करके रखा था उसे ऐड कर दी कढ़ाई में. ब्रोकली को उसमें अच्छी तरह से सॉटे करें, फ्राई करें
ब्रोकली में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। इसमें भी आप मैगी मसाला ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तिल भी हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप सभी को पता है। इसके सेवन से सर्दियों के मौसम में कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आपने देखा कितना हेल्पफुल है, कितना बेनिफिशियल है ब्रोकली। सो अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड। मैं तो इसे ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और इसका सूप बना के भी आप पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऑन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्ट।